हेलो फ्रेंड्स, आशीष हियर फॉर सिंपल स्टूपिड टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme X2 में एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं फिंगरप्रिंट से या फेस लॉक से या एक पिन से और उनको हाइड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इनबिल्ट फीचर है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। शुरू करते हैं। ऐप लॉक का फीचर बताने से पहले मैं आपको प्राइवेसी एंड पासवर्ड के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ, जो कि बाद में आएगा वीडियो में, उसकी कहानी क्या और क्यों जरूरी है। प्राइवेसी पासवर्ड बेसिकली इनका एनक्रिप्शन वाला सिस्टम है जिससे ये एप्लीकेशंस को पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं, बट उसमें रिकवरी का भी ऑप्शन है। कई बार हम लोगों को, चाहे वो वीवो का फोन हो, चाहे वो रेडमी का फोन हो, चाहे वो Xiaomi का फोन हो, किसी भी ब्रांड का फोन हो, जिसमें भी ये फीचर आता है उसमें एक कॉमन कंप्लेन है कि भाई मैं पासवर्ड भूल गया, मैं पैटर्न भूल गया, मैं पिन भूल गया, मैं करूँ क्या। तो ऑप्शन ये है कि यहाँ पे किसी भी OEM में, और यहाँ पे फिलहाल मैं Realme X2 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको मिलता है सीक्रेट क्वेश्चन सेट करने का ऑप्शन, आपको मिलता है सिक्योरिटी ईमेल पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन। आप ये चीज जरूर कर लीजिएगा ताकि इन केस अगर कभी भी आप पासवर्ड या पैटर्न भूल जाते हैं तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखा है, उसी तरह से मैंने यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल रखा है। तो इन केस अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन जिसको मैं खोलता हूँ और जिसका मैं पासवर्ड या पिन भूल गया हूँ, मान लीजिए एलेक्सा वाला ऐप जो मैंने लॉक कर रखा है, मान लीजिए इसका पासवर्ड मैं भूल गया, अब मैं यहाँ कुछ भी देता हूँ और ये नहीं चलता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन। आप फॉरगॉट पासवर्ड पे जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा रीसेट थ्रू सिक्योरिटी क्वेश्चन और रीसेट थ्रू सिक्योरिटी ईमेल एड्रेस, दोनों में से कोई भी एक चूज करके आप इसको रीसेट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने ऐप लॉक की। जैसा कि मैंने कहा कि एप्लीकेशन लॉक इनका नेटिव इनबिल्ट फीचर है, तो आपको सेटिंग्स खोलना पड़ेगा और सेटिंग्स में थोड़ा सा आप स्क्रॉल करिएगा और खोजिएगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे टैप करिए और यहाँ आपको मिलेगा थोड़ा सा नीचे ऐप लॉक, यहीं पे किड सेफ और प्राइवेट सेफ भी है अगर आप फाइल्स हाइड करना चाहते हैं। तो फिलहाल ऐप लॉक में जाते हैं। तो जब आप पहली बार जाएंगे तो ये प्राइवेसी का पासवर्ड सेटअप करने को कहेगा, जो कि 6-डिजिट पासवर्ड है, तो आप ये सेटअप कर लीजिए। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये कुछ एप्लीकेशन रिकमेंड करेगा जो कि पॉपुलरली लॉक करते हैं लोग, तो आप जो भी चाहें इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे सारे हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे करना है फेसबुक को लॉक, तो ये कर दीजिए। उसके बाद आप करिए इनेबल इनक्रिप्शन और ये आपसे तुरंत पूछेगा कि आप फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन भी यूज़ करना चाहते हैं या सिर्फ पिन यूज़ करना चाहते हैं, चॉइस आपकी रहेगी, तो आप यूज़ करिए। ये हो गया। इसके बाद बिफोर मैं आपको दिखाऊं डेमो, यहाँ पे सेटिंग्स है, तो आप सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिलता है मॉडिफाई प्राइवेसी पासवर्ड का ऑप्शन। आप जब भी पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से करना होगा। फिंगरप्रिंट और फेस का ऑप्शन अगर आपको टर्न ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्किप ऑथेंटिकेशन फॉर शॉर्ट एग्जिट, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कर ले। इससे फायदा ये होगा कि अगर आप क्विकली ऐप के बीच में स्विच कर रहे हैं तो आपसे बार बार ये पासवर्ड या फेस अनलॉक या फिंगरप्रिंट नहीं मांगेगा। फिलहाल मैं इसे ऑफ करके रखता हूँ ताकि आप देख सकें। इन केस मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आपको ये रीसेट करना है तो आप रीसेट ऐप लॉक पे जाइएगा तो ये सारा रीसेट कर देगा। आप देख सकते हैं इस तरह से रीसेट किया जा सकता है। तो फिलहाल मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आपको ये देखना है कि कौन कौन से एप्लीकेशन आपने लॉक कर रखे हैं तो वो आप शो इनक्रिप्टेड पे करिएगा टैप, तो ये आ जाएगा। अब साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि कैसे आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्ट करना एक बात हो गई, अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि आप गेम खेल रहे हैं, पबजी हो गया या कोई भी ऐसा गेम चाह रहे हो जो आप बच्चों से छुपाना चाहते हैं या अपने पेरेंट्स से छुपाना चाहते हैं, किसी फ्रेंड से छुपाना चाहते हैं, तो आप हाइड कैसे करोगे। तो आप जो भी एप्लीकेशन है जिसको आपने लॉक किया उस पर जाइए और यहाँ पर आपको मिलता है हाइड होम स्क्रीन आइकन्स, यानी कि होम स्क्रीन से ये उन्हें गायब कर देगा। और इन लोगों ने एक चीज़ और की है कि अगर इन ऐप्स को एक्सेस करना है तो डायल पैड के कुछ नंबर से आप एक्सेस कर सकते हैं, जो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप इसको टर्न ऑन कर दीजिए और यहाँ से पूछेगा कि आप एक्सेस नंबर सेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो सेट एक्सेस नंबर करिए। यहाँ पर मैं एक सेट कर देता हूँ। तो जब आपने अपना पहला 4 डिजिट या 6 डिजिट जो भी आप डालना चाहते हैं एक्सेस कोड में डाल दिए, इसमें यह है कि आपका स्टार्ट और जो एंड है ये दोनों जो है आपका हैश होना चाहिए, #1012#, ये मेरा हो गया एक्सेस नंबर का कोड। इसको मैं डन कर देता हूँ।
तो एक्सेस नंबर ये है और ये दिखा रहा है कि कैसे आप हिडन ऐप्स को ओपन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंट किया है लोगों ने, क्योंकि ये बहुत ईजी है। मतलब स्वाइप, गेस्चर या और कुछ यूज़ करने से अच्छा बेटर ये है, तो इसको आप डन कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जब आपने ये किया है तो यहाँ पे डोंट डिस्प्ले इन रीसेंट टास्क का ऑप्शन है, अगेन करेक्टली इम्प्लीमेंटेड। डोंट डिस्प्ले नोटिफिकेशन, ये भी आप चाहते हैं कि उस एप्लीकेशन से कोई नोटिफिकेशन ही आए, ताकि किसी और के अगर हाथ में फ़ोन है तो उसको पता ही नहीं चले। ये करने के बाद अब मैं जाता हूँ होम स्क्रीन पे। पहले तो हम देखते हैं कि कैसे उस एप्लीकेशन जो हाइड किया उसको लाते हैं। तो यहाँ जाइए #1012# और ये आ गया मेरा हिडन एप्लीकेशन। फेसबुक एक मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखा है प्राइवेट से। अब आप जब यहाँ जाओगे तो आप अपने सारे डेटा देख सकते हो। अब बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन जिनको मैंने हाइड नहीं किया, सिर्फ लॉक किया, उनका क्या करें। तो आप यहाँ पे सर्च करते हैं Amazon, ये Amazon आ गया। Alexa पे जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से मुझसे फेस भी मांग रहा है, पिन भी मांग रहा है और फिंगरप्रिंट भी मांग रहा है। तो मैं फिंगरप्रिंट दे देता हूँ और ये ओपन हो गया। अब अगर मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूंगा और वापस से यहाँ आऊँगा तो देख सकते हैं ये ऑलरेडी कह रहा है कि ऐप इनक्रिप्टेड। अगर आप देखें मल्टीटास्किंग में, ये अगेन बहुत अच्छा फीचर है, ताकि कोई भी इसमें एक पीछे से देखे या मल्टीटास्किंग टाइम में कोई भी डेटा शो नहीं करता। तो अब जब यहाँ जाएंगे तो आप वापस फिंगरप्रिंट दीजिए और ये इनेबल हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हो, पासवर्ड या पैटर्न या फिंगरप्रिंट से लॉक कर सकते हो बहुत इजीली। और मेरे हिसाब से Realme X2 का वो कलर OS 6 का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही रॉक सॉलिड है इस मामले में, क्योंकि इन्होंने कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पे। देखने के लिए धन्यवाद।